तो मैम द फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब अभी आपके जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, तो एक लड़की है, उसने जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, एंड आई थिंक ये जी एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप बहुत अच्छे से आंसर कर पाएंगे। द थिंग इज कि बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि उन्हें इंग्लिश नहीं आती है, तो वो पता नहीं शायद कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं अपनी लाइफ में। और इस बच्चे का क्वेश्चन भी यही है कि मैम शी इज समवन फ्रॉम हिंदी मीडियम, कैन दे बिकम एन आईएएस ऑफिसर और नॉट। यस डेफिनेटली दे कैन बिकम। यहाँ पे जैसे यूपीएससी में भी यू हैव हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स आल्सो, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स आल्सो, तो इसमें अपने आप को एक किसी भी ऐसी फाउंडेशन में ना रखें कि अगर मैं हिंदी मीडियम से है तो डोंट नीड टू फील इंफीरियर। दो इंफीरियर इज अ रॉन्ग वर्ड, दैट इज नॉट, नोबडी इज इंफीरियर टू एनीबडी, बट फिर भी उनको ऐसा लगता है कि मेजोरिटी ऑफ दी जो स्टूडेंट्स है वो इंग्लिश मीडियम ऑप्ट करते हैं, इसलिए हिंदी मीडियम में थोड़ा सा मतलब ऐसा उनको लगता है। मैं इनसे यही कहना चाहूंगी कि आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचें, आप हिंदी मीडियम में भी बहुत अच्छा कर सकती हैं। एंड आप एकदम अपना प्रेपरेशन, ये सबसे पहले तो ये चीज अपने दिमाग से ही निकाल दें कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ। जिस दिन आप ये बात अपने दिमाग से निकाल देंगी तो आपकी सारी बाउंडेशन से खत्म हो जाएंगी। तो आप बिल्कुल जो भी सब ऑप्शन, मतलब एक लैंग्वेज तो हमारा मीडियम है एक्सप्रेशन का, इट कैन बी हिंदी और इंग्लिश और पंजाबी और एनी ऑफ द लैंग्वेज, सो हाउ कैन इट हैम्पर योर पर्सनैलिटी और सक्सेस? इट कैन नेवर हैम्पर। सो आप एकदम अपनी अच्छे से राइट तैयारी करें और अपने हिंदी मीडियम के साथ ही आप तैयारी करें, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं आप उसके साथ तैयारी करें, तो बिल्कुल आप इंशाल्लाह जरूर क्लियर होगा आपका। जी वेल आई थिंक दिस इज लाइक समथिंग मोस्ट ऑफ यू पीपल नीडेड टू हेयर, एंड मैम हैज़ वेरी नाइसली आंसर्ड। सो नो लैंग्वेज, नो रेस, नो कलर, जी नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम डेफिनेटली अचीविंग वॉट यू आर डेस्टिन टू अचीव। जी एब्सोल्युटली। जी बिल्कुल